जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा फीज है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है वो क्या होती है। आप जब भी काम स्टार्ट करते हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है स्टार्ट में किस तरह से स्टार्ट लेंगे, कि अमेजोन पे कैसे काम किया जाए। तो मैं आज आपको सारा कवर करवाऊंगा कि अमेजोन का जो बिजनेस अकाउंट है, जो प्रोफेशनल होता है, आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसे क्रिएट करने के लिए क्या कुछ चाहिए आपको। देखिए, जब भी आप किसी भी कंट्री में काम करते हो या कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप उसका कोई ना कोई नाम रखते हो या अपना कोई लोगो वगैरह बनवाते हो, ठीक है, जो कि आपकी आपकी कंपनी को शो करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने मैकडोनल्ड का नाम ले लेता हूँ, गूगल का नाम लेता हूँ, पेप्सिको का नाम लेता हूँ या कोका कोला, इस तरह से। जैसे कोई भी कंपनी है ना, वो सबसे पहले अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाती है। तो ऐसे ही हमने अमेजोन पे जब काम करना है ना, तो हम सबसे पहले अपनी कंपनी जो है, जिस कंट्री में काम कर रहे होंगे वहां पे हम सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक है, तो हम उसे LLC भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में LLC कहते हैं। और ये किस लिए स्टैंड होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, अच्छा, मैं स्लाइड वर्क जो है आज के लेक्चर में ही करूंगा। ठीक है, जो आगे हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क है, इसलिए मैं स्लाइड्स के ऊपर से आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप जब भी एज अ VA अगर आप काम करते हो या एज अ इन्वेस्टर अगर आप काम करते हो, तो आप कल को किसी भी बंदे को इजीली बता सको कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस किस तरह से किया जाता है या अमेजोन पे बिजनेस किस तरह से किया जाता है। ठीक है, LLC स्टैंड्स फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, एंड LLC इज वन टाइप ऑफ लीगल एंटिटी दैट कैन बी फॉर्म टू ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। आप अपना कोई भी बिजनेस चलाने के लिए अपनी LLC को रजिस्टर्ड करवाते हो। ठीक है, LLC आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे प्रोवाइड द सेम लिमिटेड लाइबिलिटी एज अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, बट आर इजियर एंड चीपर टू फॉर्म एंड रन। आप इजिली इसे क्रिएट कर सकते हो और अपनी जो कंपनी है वो चला सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि आप अमेजोन पे जब काम करते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी USA में। ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग जब भी स्टार्ट करो तो आपने USA से स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे, इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे, वो हम UAE में, UK में, सऊदी अरेबिया में और USA में ड्रॉप शिपिंग करना सीखेंगे। ठीक है, जो हंटिंग के मेथड्स हैं सारे हम कवर करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे अमेजोन का अकाउंट कैसे बनाना है, आपने ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप शिपिंग में किस तरह से आपने स्टैंड लेना है, किस तरह से आपने स्टार्ट करनी है और क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, USA में आपने जब स्टार्ट करना है काम, तो आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की किसी भी स्टेट में आपने जो है वो करवा लेना है रजिस्टर्ड। ठीक है, अपनी कंपनी को, जैसे कि फ्लोरिडा है, टेक्सास है, ठीक है, इस तरह की काफी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं पड़ता। फ्लोरिडा में टैक्स नहीं पड़ता, आपको टेक्सास में नहीं पड़ता, बाकी डिफरेंट अदर स्टेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एक फेडरल टैक्स ID, जो कि आपको चाहिए होती है जब आप बिजनेस प्राइम क्रिएट करते हो या अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हो, तब आपको चाहिए होती है। ठीक है, ये सारा कुछ, रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एंड पोस्टल एड्रेस इन द US फॉर नॉन रेजिडेंट, जो पाकिस्तान में लोग रह के करते हैं, उनको अक्सर यही मसला पेश आता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से काम कर सकेंगे। तो उसका भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ, वो भी हम इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अभी ये मेन चीजें हैं कि आपको LLC रजिस्टर्ड करवाने के बाद अमेजोन पे जब काम करना है आपको क्या कुछ चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन LLC, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, ठीक है, DUNS नंबर चाहिए आपको, DBA ये बिजनेस नेम है। अच्छा, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए, बैंक रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट, आपको जो बैंक है USA में, मर्करी बैंक, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक नाम ले रहा हूँ, उसका डेबिट कार्ड आपको चाहिए होता है, उसकी उसमें जो है आपको अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाना होता है। ठीक है, प्रोफेशनल फोन नंबर चाहिए होता है, आपको वर्चुअल एड्रेस चाहिए होता है और अमेजोन का अकाउंट आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हु शुड फॉर्म एन LLC, LLC कौन कौन बनवा सकता है और कहाँ कहाँ के लोग जो है LLC को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तब भी आप LLC बना सकते हो, अगर आप USA में रहते हो तब भी आप LLC बना सकते हो। ठीक है, एनी पर्सन स्टार्टिंग अ बिजनेस और करंटली रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल प्रोपराइटर
शुड कंसिडर फॉर्मिंग एन एलएलसी। किसी भी तरह का बंदा जो कि प्रोपराइटर है या कोई भी बिजनेस कर रहा है वो एलएलसी को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दिस इज द स्पेशली ट्रू इफ यू आर कंसर्न विद द लिमिटिंग योर पर्सनल लीगल लाइबिलिटी एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, एलएलसी कैन बी यूज टू ऑन एंड रन ऑलमोस्ट एंड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें आप खुद ही रीड कर लेना, मैं आपको मेन मेन जो बेसिक है वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काफी आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको सारी कवर करवा देता हूँ, ताकि जो टाइम है हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, आपके आंसर क्वेश्चंस भी हमने एंड पे लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलसी। आपका जो है पर्सनल एसेट बन जाता है, कल को आप फ्लिप भी कर सकते हो। जैसे कि काफी सारे क्लाइंट्स के साथ जैसे कि मैंने काम किया है यूएसए में, ठीक है, तो जब उनका बिजनेस जो है अच्छा हो जाता है या तो उनके अकाउंट के ऊपर रेटिंग अच्छी आ जाती है, तो वो उसको फ्लिप करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आप सनी अली या साकिब असर को भी सुनते होंगे, वो क्या कहते हैं कि आप जब भी एक अकाउंट अच्छा बना लो, एजिड हो जाए आपका अकाउंट, ठीक है, तो आप क्या करो, आपने अगर उसको सेल करना है तो आप उसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वो मिठाई की दुकान वाली, आपने एग्जाम्पल सुननी होगी सनी अली की, कि एक बंदे को मिठाई की दुकान जो है बनानी आती है, ठीक है, वो उसमें अपनी मनपसंद की मिठाइयाँ बना के तैयार करके रख देता है और उसको वो बिजनेस रन करना आता है, ठीक है। तो कल को जब वो किसी दूसरे बंदे को चलती चलाई दुकान सेल करेगा, तो अपनी मुंह मांगी जो रकम है उसके बतौर वो उसको सेल करेगा। तो इसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक अकाउंट को रन करो एक लिमिटेशन में, कि उसके ऊपर कोई सस्पेंशन ना आए, किसी तरह का कुछ कोई भी इशू ना हो उसके ऊपर, एलएलसी आपने करवाई हो और आपका अकाउंट तकरीबन 2 साल पुराना हो और वो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, डेली की तकरीबन 10 से 15 हजार डॉलर की उसके ऊपर सेल आ रही है, तो आप उसको फ्लिप करो, आप उसको सेल करो अपने मुंह मांगे दामों में, ठीक है। तो ये एलएलसी करवाने के बाद आपके अकाउंट के ऊपर कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती अगर आप लिमिट में चलते हो। मैं आपको वो वाली लिमिट सिखाऊंगा जिसमें रहते हुए आपका अकाउंट ना तो सस्पेंड होगा और ना ही आप जो है किसी कोई इस तरह के किसी भी खेल का जो है यानी कि जिसे आप इसे फेस करोगे, ठीक है। हम एक लिमिट में रहते हुए स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को, ठीक है। अच्छा, आपको जो टैक्स है वो नहीं पड़ता, एलएलसी जब आप करवा लेते हो तो आपके जो रेट्स हैं, आपको जो टैक्स है, टैक्स एग्जेम्प्ट आप करवा सकते हो, आपको जीटीआईएन टैक्स आईडी मिलती है, उसके थ्रू आप सारा कुछ करवा सकते हो। सिंपलिसिटी एंड एलएलसी इज द सिंपलेस्ट बिजनेस एंटिटी टू फॉर्म एंड ऑपरेट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा आपसे, बाकी मेन मेन बातें जो हम करें इसमें देखते हैं। डू यू हाउ डू यू स्टार्ट एन एलएलसी, ये बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग एन एलएलसी इज रिलेटिवली इजी, यू फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो जितनी भी फाइल्स हैं वो आपने देनी होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं बता देता हूँ एंड में क्या क्या आपको चाहिए होता है। आप मैं एंड में ना एक बंदे का नंबर शेयर करूंगा जो कि पाकिस्तान से आपको अच्छे रेट्स पे अच्छी स्टेट्स में अमेरिका की बिल्कुल आपको अच्छी एलएलसी क्रिएट करवा के दे सकता है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि एलएलसी किस तरह से रजिस्टर्ड करवाई जाए। काफी सारे दोस्त यहाँ पे यूएसए में भी हैं जो कि ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी एलएलसी क्रिएट करवाई हुई है, वो बेहतर जानते होंगे। बाकी जिन्होंने नहीं करवाई हुई वो भी, उनको मैं एक जो है बंदा है पाकिस्तान में वो रेफर कर दूंगा, आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, आप एलएलसी क्रिएट करवा सकते हो। एलएलसी बेसिकली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करते हो, ठीक है। तो आप ड्रॉप शिपिंग कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हो, सिंपली आप, मैं आपको बताऊं, आपका जो खर्चा होता है सारा एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने का ही खर्चा होता है, उसके बाद अमेजोन अकाउंट क्रिएशन का खर्चा होता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। 800-900 डॉलर में आप इजीली अपना जो है ये सारा सेटअप खड़ा कर लेते हो, उसके बाद आपको 200-300 डॉलर जो है आपके अकाउंट में चाहिए होते हैं। तकरीबन 1000-1200 डॉलर से आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 100% श्योर होंगे आप, आपको 7 से 8 मेथड की जो है मैं हंटिंग सिखाऊंगा, अमेजोन टू अमेजोन, वालमार्ट टू अमेजोन और ईबे टू अमेजोन, ठीक है, हम ये सारा कवर करेंगे डीपली, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या कुछ चाहिए होते हैं इसके लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे के सारे रिक्वायर्ड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो, आपका जो है आईडी कार्ड, और उसके अलावा जो है आपका जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड होती है, वो हम एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन यूनिक एलएलसी फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, टू लर्न अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मिंग ऑन एन एलएलसी इन योर स्टेट,
आप किसी भी स्टेट में अगर करवाना चाहती हो, ये जो स्टेट्स मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें करवाती हो ना, तो इनमें ज्यादातर जो है आपकी एलएलसी वो ज़रा स्ट्रांग होती है और ज़रा स्टेबल होती है, इनमें आपको टैक्स नहीं पड़ता और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाउ टू सेटअप एन एलएलसी। आपने अपने बिजनेस का कोई भी नाम जो है डिसाइड कर लेना, जैसे कि आप कोई प्लाजा वगैरह बनाते हो या कोई आप मॉल बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका एक नाम जो है वो डिसाइड करते हो, उसके बाद आप उसका जो है एक जो रजिस्टर्ड एजेंट है जिसने उसको रन करना होता है उसका नाम आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर आप एक कॉपी तैयार करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, ठीक है। इसी तरह से एलएलसी जब आप फॉर्म बनाते हो तो आपको इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। प्रिपेयर द एलएलसी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, फाइल द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और कीप योर एलएलसी एक्टिव, ठीक है। आपकी एलएलसी एक्टिव हो जाती है इन ये सब फॉर्म परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। वी नीड फॉलोइंग सर्विसेज इन यूएसए, ये आप रीड कर लेना, हमने पहले देख लिया है। अच्छा, ये जो काम आप करते हो इसके लिए आप ये जो फॉलोइंग जो पैकेजेस हैं, आपको क्या कुछ मिलता है, ठीक है। आपको मिलता है इसमें एलएलसी का नाम, एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी का ट्रेडमार्क, मर्करी बैंक अकाउंट मिलता है, मर्करी बैंक कार्ड मिलता है, बिजनेस एड्रेस मिलता है, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान से यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या होलसेल का काम करना चाहते हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। बेसिकली अमेजोन पे हमने सीखना है काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो अमेजोन पे काम करने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। EIN खासतौर पे, रीसेलर सर्टिफिकेट, मर्करी बैंक कार्ड, मर्करी बैंक, ठीक है, कंपनी का ट्रेडमार्क और एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें रिक्वायर्ड है अमेजोन पे काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अलास्का, फ्लोरिडा, अच्छा ये सारी जो स्टेट्स हैं ये इनमें से आप किसी एक में भी करवा सकते हो, ठीक है। ये रैंडमली मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पे, लेकिन जो मैं आपको करूंगा, आप फ्लोरिडा में करवाओ या टेक्सास में करवाओ, या एक और नाम है वो मैं अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, इस तरह से कुछ नाम बनता है उसका, ये इस स्टेट में भी आप करवा लो, ये तीन मेरी नजर में सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एलएलसी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट्स, एलएलसी नेम जो कि आपने बताना है जिस बंदे से आप क्रिएट करवाओगे, ठीक है, उसको आपने बिजनेस पर्पस बताना है कि किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। एलएलसी फिजिकल और मेलिंग एड्रेस, फोन नंबर, ओनर डायरेक्टेड डिटेल्स और ईमेल एड्रेस वगैरह रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसके, एक तो इट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड मेंबर्स, सुपीरियर प्रोटेक्शन थ्रू द रिचार्ज कंट्रोल, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप रीड कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे अहम बात क्या है, अगर पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको जो है ट्रस्टेड लोग नहीं मिलते, फेसबुक पे काफी सारे लोग जो है धोखा करके भाग जाते हैं पैसे लेके, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रस्टेड बंदा है एक, उसका नाम खालिद मिशाल है, और एक लड़की है अनमोल, ये दोनों का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इन दोनों से कॉन्टेक्ट करना और इनको रेफरेंस दे देना मेरा, ये आपको सारी जो डिटेल है वो बता देंगे, ठीक है। और आप इनको, इनसे आप डिटेल में सारा कुछ पूछ सकते हो कि मैंने एलएलसी करवानी है, क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा, बेसिक जो मैंने आपको बताया है ना, ये सब कुछ आपको लाजमी करवाना है, ठीक है। EIN आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप अमेजोन पे अमेजोन बिजनेस करते हो, ठीक है, तब अमेजोन आपसे EIN नंबर मांगता है, बिजनेस प्राइम अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो वहां के लिए आपको जरूरत होती है इसकी। काफी सारे लोग करवा लेते हैं, 200-250 डॉलर में भी करवा लेते हैं, लेकिन उनको पर ईयर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ्लोरिडा में या दूसरी किसी स्टेट में करवाते हो तो आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई ना, ये दो नंबर मैंने दिए हैं आपको, दोनों में से किसी को भी आप व्हाट्सएप करो, मेरा रेफरेंस देने के बाद आप उनसे डिस्काउंट भी ले सकते हो और आपको वो सारा A to Z बताएंगी, ठीक है। और मैंने इनसे 3-4 लोगों की LLC खुद भी करवाई है, ठीक है। अच्छा, ये तो लेक्चर था LLC के ऊपर, अभी हम देखते हैं कि